औद्योगिक क्षेत्र में BVN के तहत भुट के पास एक मेडिपॉल फार्मा फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। घटना करीबन 10 बजे की बताई जा रही है। जब फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे तो तीसरी मंजिल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने तीसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग बद्दी को दे दी गयी। पहले दमकल विभाग की ओर से 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग का विराट रूप धारण होता देख दमकल विभाग की ओर से 3 और गाड़ियां आग बुझाने के लिए बुलाई गई। अभी भी दमकल विभाग की 5 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आग ने तीसरी मंजिल को पूरी तरह अपनी चपेट में ले रखा है। आग लगने का कारण तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग लगने से किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने के कारण करोड़ों के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल दमकल विभाग की टीम मौके पर है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोरोना काल के समय में कांग्रेसी नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आवश्यक संकट के समय में सभी राजनेताओं को मतभेद भुलाकर एकजुट होकर इस महामारी से लड़ना चाहिए था, लेकिन दुख की बात है कि हमारे प्रदेश के कांग्रेस के नेता ऐसा करने पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और विरोध जताते आ रहे हैं और अनेकों बयानबाजी करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शुरू से ही सार्थक प्रयास किए हैं और अनेक प्रकार की एहतियात बरतते हुए काम किया है। उन्होंने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना है, तो हमें सारे काम भी करने हैं और सावधानी पूर्वक काम करने हैं तथा सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस बेवजह बयानबाजी करती रहती है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ही खुद ऐसे कार्यक्रम कर रही है जिससे ना तो उनके कार्यकर्ता मास्क लगा रहे हैं और ना ही सामाजिक दूरी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर लंच का कार्यक्रम होता है जिससे प्रदेश के कांग्रेस के कुछ नेता आते हैं और उन्होंने भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया नहीं, सामाजिक दूरी भी नहीं अपनाई और वो प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं जिसमें अनेक 100 से 200 कार्यकर्ता आते हैं और खुद ही नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर बार करते हुए कहा कि जब कांग्रेस के नेता ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आम जनता कैसे करेगी। उन्होंने बताया कि जिस तरह प्रदेश व केंद्र सरकार काम कर रही है उससे कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं और अपना जनाधार खत्म होते देख ये निराधार आरोप लगाने में लगे हैं। इनका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे विपक्ष के हताश निराश नेता के बहकावे में न आए, वे सभी नियमों का पालन करते हुए काम करते रहें ताकि कोरोना महामारी से हम एक दिन जीत सकें। कोरोना के पॉजिटिव मामले आने से पंडोह कस्बा सुर्खियों में आ गया है। यहां घोषित कंटेनमेंट जोन में प्राइमरी टेस्टिंग शुरू हो गई है। इसी कड़ी में यहां 11 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं। मामले की पुष्टि करते हुए PHC पंडोह के प्रभारी डॉक्टर अक्षित ने बताया कि आज पहली बार टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरी टेस्टिंग शुक्रवार को होगी। वहीं उन्होंने कहा कि यदि शुक्रवार से पहले जरूरत पड़ेगी तो आपात स्थिति में भी टेस्टिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। डॉक्टर अक्षित ने पंडोह वासियों से मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें कि मंडी जिला में पिछले कुछ समय से कोरोना पॉजिटिव केस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पंडोह कस्बे में भी कुछ केस पॉजिटिव आए हैं जिसके चलते जरल कॉलोनी व पंडोह के कुछ भागों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। भाजपा कार्यालय की जमीन खरीद मामले में आरोपी पूर्व पार्षद मनीष कुमार की प्रेसवार्ता के बाद पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ने भी मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यालय की जमीन खरीद मामले में हुए फर्जीवाड़े से
उनका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वे तो काफी समय पहले क्रय कमेटी से बाहर निकल चुके थे, इसलिए उन्हें ये पता नहीं था कि जमीन खरीद मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले वे इस कमेटी के सदस्य थे और उनके अलावा विधायक केएल ठाकुर रतनपाल भी इस क्रय कमेटी के सदस्य थे। पवन गुप्ता ने कहा कि भाजपा की जमीन खरीद मामले में उनका कोई नाता नहीं था, बल्कि उन्हें शुरुआती दौर पर इस क्रय कमेटी का सदस्य बनाया गया था, लेकिन वे कुछ समय बाद इस कमेटी से बाहर निकल चुके थे और जो आरोप प्रेस वार्ता के माध्यम से पूर्व पार्षद मनीष कुमार ने उन पर लगाए हैं वे बिल्कुल निराधार हैं। उन्होंने कहा कि वे 40 वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हैं और कभी भी उन पर कोई आरोप नहीं लगे हैं, इसलिए उन पर कोई भी आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विवाद में उनका कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस खरीद मामले की उच्च स्तरीय जांच आवश्यक होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए।